नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने। हिंदुस्तान की इन दिनों कनाडा और अमेरिका के साथ रिश्तों में काफी तनाव चल रही है। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर और यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुरपटवंत सिंह पन्नू लेके काफी तीनों देशों की मतलब भारत की अमेरिका की सरकार से और कनाडा की सरकार से अलग लेवल पे काफी तनाव चल रहे हैं। ये अल्टीमेटली जाके किस तरह से रिजॉल्व होगा इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन एक भारत में एक नैरेटिव स्प्रेड की जा रही है कि विदेश के देशों में भारत के खिलाफ आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई सारे कॉन्स्पिरेसीज हो रहे हैं, जिसमें वहां की सरकारें जो हैं वो भी शामिल हैं। हिंदुस्तान में राजनीति मूवमेंट्स को प्रोत्साहन देने की जो प्रोसेस है उसके पीछे एक लंबा इतिहास है। आज की तारीख में ये बात जो भारत सरकार की है शायद ठीक ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसका जोर पकड़ने के पहले कनाडा और अमेरिका में वहां के जो हिंदुस्तानी थे उन लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करके हिंदुस्तान में आके उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने की कोशिश की थी। उसका मतलब है कि आप पूछ सकते हैं कि आज से करीब 110-120 साल पहले क्या कनाडा और अमेरिका में भारतीय थे, और अगर थे तो क्यों थे। इसके पीछे ऑब्वियसली कुछ एक हिस्टोरिकल कारण थे। तो आज हम बात करेंगे आज से ठीक करीब 110 साल पहले कनाडा, यूएस और कई और देशों में, वहां से फैल गया लेकिन शुरुआत वहीं से हुई, राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी जी के आने के बाद 1919 में गति पकड़ने के पहले गदर आंदोलन, गदर मूवमेंट वहां से शुरू हुआ था। वहां पे भारतीय एकत्रित हुए थे और फिर हिंदुस्तान में आके उन्होंने नेशनल मूवमेंट को एक इम्पेटस देने की कोशिश की। उस समय जो यहाँ के जो राष्ट्रीय नेता थे उनके साथ किस तरह के रिश्ते थे, किस तरह के डाइवर्जेंसेस थे, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे हमारे बहुत ही पुराने मित्र जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र के दिनों के प्रोफेसर चमनलाल, जो JNU में लंबे समय रहने के बाद रिटायर किए, दिल्ली में दिल्ली सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की भगत सिंह आर्काइव्स के एक तरह से वो फाउंडर, क्यूरेटर, डायरेक्टर, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, मतलब एक तरह से वो आर्काइव जो है उनके साथ आइडेंटिफाइड है। इन्होंने बहुत काम किया है उस अर्ली पीरियड ऑफ राष्ट्रीय आंदोलन के, तो हम उनसे बात करेंगे। चमन भाई जो चंडीगढ़ में है हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सारे श्रोताओं को और हमारे पुराने मित्र को नीलांजन को। आपके साथ तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि दरअसल ये कार्यक्रम में हम राष्ट्रीय आंदोलन के जो कम लेसर नोन जो फैसेट्स हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं बीच बीच में। तो गदर आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके बारे में आमतौर पर इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बताइए कि गदर आंदोलन जो 1913 और 1914 में वहां पहले एकत्रित हुए कनाडा और यूएस में, उसके बाद भारत आए, उसके बारे में जरा बैकग्राउंड बताएं, क्योंकि मतलब जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन में, आज से 110 या 120 साल पहले इतने दूर भारतीय, कौन से भारतीय गए और क्यों गए, बैकग्राउंड क्या था, वो यहाँ हिंदुस्तान आके क्या करना चाहते थे। असल में वो जमाना था जिस जमाने में इंग्लैंड की पूरी दुनिया में तूती घूरती थी जी। सबसे बड़ा कॉलोनाइजर मुल्क था दुनिया का, 100 के करीब मुल्क उसने अपने कब्जे में किए हुए थे, उनको कॉलोनाइज किया हुआ था जी। और जिनमें से अभी भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी डोमिनियन स्टेटस में हैं, जो कभी हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक विवाद का विषय रहता था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए या पूर्ण स्वराज। तो अल्टीमेटली ये भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का ही दबाव था जिसकी वजह से 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
जो कांग्रेस का सेशन लाहौर में हुआ था और जिसमें भगत सिंह आदि जेल में थे, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पहली बार पास हुआ था। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आज भी डोमिनियन स्टेट्स हैं यूके के। यूके की इंग्लैंड की महाराजनी या महाराजा वहां का हेड ऑफ द स्टेट है, भले ही वो लगभग आजाद है, मैंने उनके अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, सब कुछ होता है इलेक्शन वगैरह, लेकिन एक सिंबॉलिक हेड जो है वो अभी भी वो है। तो एक तो ये चीज समझनी चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में और या साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम की ये विशेषताएं हैं कि इन देशों ने पूर्ण स्वराज के लिए, फुल इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष किया था और हासिल भी किया। उसकी अगली स्थिति क्या उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। तो जब इंग्लैंड की तूती गूंजती थी तो इंग्लैंड की फौजें, और जिसमें वो चाहे भारतीय हो, चाहे कैनेडियन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी सिलसिले में जाती थी। तो 1897 में पंजाब से कुछ फौजियों को किसी मुहिम पे भेजा गया, इंग्लैंड ने भेजा, क्योंकि इंग्लैंड के हम सब्जेक्ट थे जी, बिल्कुल सब्जेक्ट से पहली बार कुछ फौजी जो थे वो कनाडा में रुक गए। मैंने उनके देखे हुए हैं यादगार कनाडा में जो बनी हुई है, गुरुद्वारे बने हुए हैं उन सब चीजों के नाम पे। तो तब एक सिलसिला शुरू हुआ। 1905 में पहली बार जो मैंने कोट किया हुआ अपनी जो छोटा मोनोग्राफर करतार सिंह सराभा पे, गदर पार्टी हीरो करतार सिंह सराभा, तो 23 लोग थे सिर्फ पंजाबी जी। लेकिन वही संख्या बढ़ते बढ़ते 1908 में 2000 तक पहुंची, 2200 के करीब पहुंची, और फिर उससे आगे बढ़ते बढ़ते हजारों में चली गई। और उसी दौर में कनाडा ने एक एंटी इमिग्रेशन लॉ वगैरह पास कर दिया, जिससे रुख बदल कर अमेरिका की ओर हो गया। और उसके बाद से बहुत सारे पंजाबी जो है ना और इंडियन, वो अमेरिका जाने लगे। तो मैंने ये 1900 से लेके 1915 के बीच समझ लीजिए कि बहुत बड़ी संख्या में फ्लो इंडियंस का, जिसमें 80% आप पंजाबी कह सकते हैं, वो कनाडा और अमेरिका में हुआ। तो एक तो ये बात समझने वाली है, और दूसरा ये हुआ कि एक चीज जो पूछना चाह रहा हूँ जमन भाई, एक मिनट, जो ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ज्यादातर जो पंजाब से जो जा रहे थे, इनको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि इनकी आइडेंटिटी के बारे में, तो जो हम लोग जो धार्मिक आइडेंटिटी है उसके बेसिस में बात करें, तो इसमें कहीं कहा जा सकता है कि डोमिनेंट ग्रुप था वो सिखों के थे, उसके बाद हिंदू थे और फिर कुछ मुसलमान भी थे। हाँ, मैंने उसमें अगर इसको जब ब्रीफ में कहें कि 80% जो है पंजाबी थे, मान लीजिए 100% इंडियंस में से, साउथ इंडियन भी थे, बंगाली भी थे, सेंट्रल इंडिया से भी थे, लेकिन 80% पंजाबी थे, और 80% में से समझिए 90% सिख थे, आप ये कह सकते हैं। हाँ, तो एक तरीके से सिख डोमिनेशन थी, पंजाबी पेजेंट्स की डोमिनेशन थी। मैं इस चीज को असल में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज कहा जाता है कि कनाडा और अमेरिका में काफी हद तक खालिस्तानी गढ़ है। दरअसल इसको समझने की जरूरत यह है कि एक उन देशों में एक सिख सेटलिंग सेटलर्स का, इमिग्रेंट्स का एक लंबा 100 साल से ज्यादा इतिहास है। बस इस चीज को साबित करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि किसी ने अचानक जाके पिछले 10 साल में या 20 साल में कनाडा और अमेरिका में जाके सिख लोगों को बसाने लगे, ऐसी बात नहीं। जो सिखों ने, पंजाबी किसानों ने और हिंदुस्तानियों ने एक बहुत इज्जत बनाई थी दुनिया में, ये गदर पार्टी आंदोलन जो है ये बहुत एक तरीके से कहना चाहिए कि लिबरेशन स्ट्रगल थी। यहाँ तक के अमेरिका के प्रेसिडेंट उन दिनों वुड्रो विल्सन ने 1915 में जो गदर पार्टी वहां बनी हुई थी उसकी हिमायत में भी एक उनका लेख जो है वो गदर पत्रिका में छापा था। मतलब अमेरिका उस समय इतना बुरे इस तरह का मुल्क नहीं था जो आज है। मैंने 100 साल पहले अमेरिका भी दूसरा था, तो वो अमेरिका भी लिबरेशन स्ट्रगल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट तो नहीं करता था, लेकिन थोड़ी बहुत जो है कहीं ना कहीं दुनिया में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स को वो अप्रिशिएट करता था। तो कम से कम गदर पार्टी के संदर्भ में तो अच्छी तरह याद है। एक चीज समझाइए कि वो लोग वहाँ कनाडा और यूएस में पहले
ऑर्गेनाइज हुए एक हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट करके। मैं आपको संक्षेप बता दूं कि जब 1912-10-11 में बहुत लोग पंजाबी वहां प्रेजेंट चले गए, एक तो उन्होंने दो चीजें नोट की, खासतौर पर सराभा के संदर्भ में कहूँ तो सराभा जिस घर में रुके हुए थे मैंने किराए पे जाके, तो उस घर में अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस आया और उस घर में खूब सारे हीरोज के चित्र लगे हुए थे और झंडा वंडा फैलाया और खूब जश्न की तरह हो रहा था, जश्न की तरह। तो उसने पूछा, मैंने सराभा ने पूछा कि क्या, उसने कहा आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तब उसने कहा, पूछा सराभा से, ये झंडा के ये तो हमारा झंडा है, आपका झंडा कौन सा है? तो सराभा ने यूनियन जैक दिखा दिया, तो उस लेडी ने बहुत हंस के कहा, अरे ये आपका झंडा थोड़े है, ये तो ब्रिटेन का झंडा है, इसका मतलब है कि आपका अपना झंडा ही कोई नहीं है। मैंने इस तरीके से उनको चोटें लगी इमोशनल, मैंने खूब काम करते थे, मेहनत करते थे, कमाई करते थे, लेकिन उनको दूसरे लोग ये समझते थे कि ये गुलाम मुल्क से आए हुए लोग हैं। तो उनके मन में ये इच्छा जगी कि जैसे ये लोग आज़ाद हैं, अमेरिका वाले लोग आज़ाद हैं, तो हमें भी वैसे ही आज़ाद होना चाहिए। इस प्रेरणा से वो उनकी मीटिंग होने लगी। इसी बीच लाला हरदयाल को बुलाया वहाँ पे। लाला हरदयाल बहुत मशहूर थे, वो दिल्ली में पैदा हुए थे और फिर इंग्लैंड के नाम पे दिल्ली में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, अभी भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मैंने वो उसी एरिया में पैदा हुए थे, उसी एरिया में माथुर लोग, लाला हरदयाल माथुर थे, उसी एरिया में बहुत माथुर लोग रहते हैं। तो खैर, तो उनको बुलाया गया तो बहुत उन्होंने गर्मजोशी की तकरीरें की, तो ये सब लोग बहुत प्रभावित हुए, सराभा और बहुत सारे इनके साथी। तो इन्होंने 3-4 मीटिंग की अलग अलग जगह पे, 3-4 मीटिंग की अलग अलग गुरुद्वारों में, कई बार कर लेते थे। गुरुद्वारे ऐसे नहीं होते थे, गुरुद्वारे एक तरीके से कम्युनिटी सेंटर भी होते थे, मैंने मीटिंग करने के लिए। तो वीकली जब छुट्टी करते थे लोग वहाँ पे चले जाते थे, मिलते थे, खाली सिख नहीं जाते थे, सारे इंडियन जाते थे। मैं ट्रिनिडाड में 1 साल रहा हूँ, वहाँ भी एक गुरुद्वारा है, तो वहाँ वो एक कम्युनिटी सेंटर की तरह काम करता है, जब सारे इंडियन इकट्ठे हो सकते। खैर, तो 2-3 मीटिंगों के बाद 21 अप्रैल 1913 को मैंने उन्होंने हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक इस नाम से संस्था बना ली। बाबा सोन सिंह भकना उसके प्रेसिडेंट हुए, लाला हरदयाल फाउंडर जनरल सेक्रेटरी, और इन लोगों ने कहा कि हम लोग अखबार निकालेंगे और उसका अखबार का नाम जो है वो गदर रखेंगे। तो 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक निकला पंजाबी में, उर्दू में पहला अंक उर्दू में, और 8 नवंबर को 1913 को पहला अंक निकला पंजाबी में। और ये पंजाबी का अंक जो है ये सराभा देखते थे, वो अंग्रेजी से, उसमें 1 जनवरी 1912 को सराभा करीब 15 साल की उम्र में, 1896 में उनका जन्म था, 15-15 साल की उम्र में वहाँ पहुँचे अमेरिका। वहाँ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले कैंपस में वो केमिस्ट्री के छात्र बने, और वहीं से उन्होंने केमिस्ट्री की ट्रेनिंग के साथ साथ गदर पार्टी में काम करना शुरू किया, और उसमें वो पंजाबी गदर को देखते थे। तो ये धीरे धीरे 1914 में संसार जंग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो गई, इनसे पहले कुछ लोग इंडिया से बाहर रह के स्वतंत्रता, इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में काम कर चुके थे, उनमें श्याम जी कृष्ण वर्मा थे एक, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय चट्टो थे जो सरोजिनी नायडू के भाई थे सगे, और उसके बाद से ये लोग भी पहली बार मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जर्मनी में हिंदुस्तान का झंडा लहराया था, इंडियन फ्लैग लहराया था। तो ये सब आपस में बहुत एक तरीके से इंस्पायर एक दूसरे को करते थे। तो 14 में जब जंग लगी, तब इन्होंने सोचा कि हमें हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करना चाहिए। तो इसका गदर नाम इसलिए रखा, अच्छा वो जो हेडक्वार्टर था गदर पार्टी का, उसका नाम युगांतर आश्रम है, आज भी सान फ्रांसिस्को में यादगार बनी हुई है, उसका नाम युगांतर आश्रम ही है। तो युगांतर आश्रम इसलिए रखा कि हिंदुस्तान के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में युगांतर नाम का आंदोलन बंगाल में पैदा हुआ था, अरविंद घोष वगैरह ने उसको किया था, युगांतर नाम की पत्रिका भी निकालते थे। तो इसलिए युगांतर ये खाली पंजाबियों का आंदोलन नहीं था या सिखों का आंदोलन नहीं था,
वे पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में खासतौर पे जो रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है उसका आंदोलन था। तो उसी की परंपरा में उन्होंने चल के फिर सोचा कि जब संसार जंग लगी हुई है तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। कुछ जर्मनी से मदद वगैरह लेने की भी बात हुई उस समय, गदर पार्टी की बात नहीं हुई, गदर पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों की बात हुई। उसके लिए वो अलग से जर्मन कॉन्स्पिरेसी केस चला, वो एक हद तक ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी। और 1914 में ये फैसला हुआ कि सारे ये इंडियन, ये हमारे भोले क्रांतिकारी थे, मैंने इनोसेंट क्रांतिकारी थे, ये नहीं सोचते थे कि ये सारी चीज़ें बहुत गुप्त तरीके से करनी चाहिए और कोई भी सरकार इस तरीके से हथियारबंद इनकलाब को जो है वो नहीं परमिशन देगी। हम हिंदुस्तान जाएंगे और इनकलाब करेंगे। और वो दूसरा नाम उसका 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को जोड़ते थे, तो उसको अंग्रेज गदर कहते थे, तो इन्होंने और वो गदर अपमान के रूप में कहते थे, ये कहते थे गदर हमारे लिए इज्जत की चीज़ है, तो इसलिए हमारी पार्टी गदर पार्टी जो है इसलिए वो इज्जत है उसमें। तो खैर, तो इस वक्त जब इन्होंने फैसला किया तो 5-6 हज़ार लोग, 8 हज़ार भी कहा जाता है, शिप्स में भर के हिंदुस्तान आना शुरू हुए। और जी सराबा उनमें से सबसे पहले, 2-4 और लोग भी, सब उन सबसे पहले बड़े ही जिसको कहना स्मार्ट तरीके से मद्रास वगैरह होते हुए हिंदुस्तान पहुंच गए थे। तो उसी में कामागाटा मारू का भी एक प्रसंग जुड़ा। उसमें क्या था कि ये इन लोगों को वहाँ पे कनाडा में उतरने नहीं देते थे और वे डिमांड करते थे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक डायरेक्ट जहाज आना चाहिए। तो उसमें बाबा गुरदित्त सिंह, उनको बाबा अब कहते हैं, पहले तो वो गुरदित्त सिंह ही कहना चाहिए था, उनको जवान थे जब, तब उन्होंने एक व्यापारी थे तो उन्होंने बहुत सारे फंड इकट्ठे करके ये अपना जहाज खरीदा। उन दोनों समुद्री जहाज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आजकल के जहाजों में। तो उसमें उनमें 3-4 जगहों से 376 मुसाफिर उसमें भरे, मैंने किराया देकर भरे उसमें, और उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, सब ज्यादातर पंजाबी थे, और मैंने एक आध 2-4 हो सकता है कि नॉन पंजाबी भी उसमें। और वो कोमागाटा मारू 22 मई को या 23 मई को चला इंडिया से, कलकत्ता से, और फिर बहुत सारे शहरों में होता हुआ वो 23 जुलाई के आसपास, नहीं 22 मई के आसपास वो पहुंचा वैनकूवर के तट पे। वैनकूवर पे तट पे उनमें से किसी मुसाफिर को उतरने नहीं दिया गया। उसके लिए वहाँ में जो कनाडा में लोग रह रहे थे पंजाबी और इंडियंस, उसमें लाला हसन रहीम भी एक सबसे बड़ा नाम था, आंदोलन किया। उनके लिए खाने पे 2 महीने तक वो जहाज अटका रहा, जहाज में राशन खत्म हो गया था, तो पूरा आंदोलन चला कनाडा में, मुकदमेबाजी भी हुई और उस मुकदमों में 1-2 मुसाफिर वहाँ पे उतारे भी उन्होंने, लेकिन वो इतना लंबा संघर्ष चला कि अल्टीमेटली 2 महीने बाद कैनेडियन गवर्नमेंट को उनको सब कुछ राशन देना पड़ा, मैंने राशन देके उनको उतरने नहीं दिया लेकिन वहाँ से वापस किया गया। और वो 23 जुलाई को चल के 29 सितंबर को बजबज घाट कलकत्ता में पहुंचा और वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फायरिंग की उनके ऊपर, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि वो उन्होंने जहाज को घेर लिया था, क्योंकि ये सब जो कर रहे थे ना हमारे गदराइट, वो इतने भोले थे, वो 5-6 हज़ार लोग जो शिप से आते थे इंडिया, आते ही उनको उनके घरों में नजरबंद कर देते, उनको आंदोलन ये सोचे थे हम लोग जाके आज़ादी का आंदोलन चलाएंगे और बड़ा गदर करेंगे, और जो जहाज आता था उनकी जानकारी में होता था वो जहाज के तट पे लगते ही और उनको जो है वो पकड़ लिया जाता था, गांव में नज़रबंद कर दिया जाता था। तो खैर, कामागाटा मारू जब पहुंचा तो वहाँ पे मैंने 32 मुसाफिर भागने में कामयाब हुए बजबज घाट से, उनमें बाबा गुरदित्त सिंह भी थे जो 1921 तक अंडरग्राउंड रहे, फिर महात्मा गांधी के साथ रहे, फिर उन वो गिरफ्तार हुए। तो उस समय जो फायरिंग हुई उसमें 21-22 मुसाफिरों को पुलिस की फायरिंग में मारा गया, उनमें उड़िया भी थे,
एक शायद बंगाली भी थे, 20 पंजाबी सिख रहे होंगे, उनकी यादगार में बजबज घाट में बहुत शानदार एक कहना चाहिए कि बना हुआ है। और मैं बहुत आपने तो हाँ। मैं जब बहुत छोटा था तो मैं कभी कलकत्ता में नहीं बड़ा हुआ, मैं तो उत्तर हाँ। भारत में बड़ा हुआ। तो, हाँ। तो जब हम बंगाल कलकत्ता जाते थे छुट्टी के दिनों में, स्कूल में जब पढ़ते थे तो हाँ। मेरे जो कजन बड़े, मेरे से बड़े जो कजन थे वो बजबज में ले गए थे, क्योंकि बजबज तो आज के कलकत्ते के लगभग बीचों बीच में है। और जाके मैं उनको देखता था, तब नहीं समझते थे, तब ये भी नहीं पता था कि इतने वक्त के बाद मेरे को उस चीज का सही इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। और उसके बारे में भी किसी कार्यक्रम में आप जैसे इस सब्जेक्ट के विद्वान के साथ बात करने का भी मौका मिलेगा उसको पूरी तरह से समझने के लिए। जी आगे बताएं। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने उस बजबज घाट के ऊपर गुरदित सिंह और सबकी एफर्ट से 1955 में करीब ये मेमोरियल बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसका उद्घाटन किया था। यहाँ से 20-22 लोगों की सूची भी लगी हुई है, हम 2-3 बार गए हैं वहाँ पे। और जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं, वो IIT खड़गपुर वालों ने 2-3 बार इसके ऊपर कार्यक्रम भी किए पिछले सालों में। तो दोनों तीनों बार हम लोग वहाँ बजबज घाट में भी एक सेशन किया वो IIT खड़गपुर ने, ये 4-5 साल की बात है। उसी में अंजलि गेरा वहाँ पे एक सब्जेक्ट की इंचार्ज है, उन्होंने ये किया था। तो खैर, तो उसकी देखभाल भी जो है, वहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है गुरुद्वारा, लेकिन उसकी देखभाल लंबे समय तक एक चटागांव क्रांतिकारी आंदोलन के गणेश घोष, जो लेफ्ट फ्रंट सरकार में मंत्री भी रहे, तो गणेश घोष उसके अध्यक्ष रहे उस बजबज घाट मेमोरियल कमेटी के, और उनकी देखरेख में ही उसकी अब तक थोड़ी देखभाल चलती रहती है। अब तो खैर काफी वो थोड़ा उसको धार्मिक रंगत देने लग गए हैं, वो जो दुखद पाठ है, लेकिन फिर भी एक राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत बड़ा जो स्मारक है वो कहना चाहिए, और जो कनाडा और अमेरिका से जुड़ा हुआ है, और उसमें कनाडा और अमेरिका से लोग उसमें शायद। तो खैर, उसमें यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरवीन कर रहा हूँ। कवाकाटु मारु का की जो कहानी है और कनाडा सरकार की उस समय 1913-14-15 में उस समय जो उनकी जो भूमिका थी, उनका जो फैसला था जिसके चलते जिनको हिंदुस्तान में जहाज से ले जाया गया था, उनको जो तकलीफ हुई थी उसके लिए कनाडा सरकार ने बकायदा माफी मांगी। हाँ, ये बात भी सही है। 2006 में उस समय जो प्रधानमंत्री थे स्टीफन हार्पर, उन्होंने बात की थी। उसके बाद आजकल जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने तो May 2016 में बकायदा कनाडा के पार्लियामेंट में जाके अपने धर्म और अपने देश की तरफ से माफी मांगी थी। या दैट्स ट्रू, क्योंकि और जबकि इंग्लैंड ने आज तक जलियांवाला बाग के लिए माफी नहीं मांगी है उनका, वो थोड़ा बहुत रिग्रेट लफ्ज यूज कर देते हैं, कुछ ऐसा लफ्ज यूज कर देते हैं, बड़ा दुखद कांड हुआ इतना कह देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहा। वहाँ की महारानी वहाँ ने शिफ्ट किया है, एलिजाबेथ ने वहाँ पे जलियांवाला बाग विजिट किया था, और भी इनके प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी जाते रहे हैं। वो सिर्फ रिग्रेट तक अपने आप को सीमित रखते हैं, ये नहीं कहते कि हमें इसके लिए माफी देनी चाहिए इंडिया को। वो जस्टिन ट्रूडो ने, या क्योंकि उसमें भी एक फैक्टर है कि जितने इंडियन वहाँ बसे हुए हैं अब वो सारे के सारे वहाँ की पार्टीज में एक्टिव हैं। लिबरल पार्टी और एक NEP है वहाँ पे, वो थोड़ी रेडिकल है, उसको सोशलिस्ट के करीब, हिंदुस्तान की CPI जैसी है वो, NEP उसको कहते हैं। और उसमें मिनिस्टर बीच में थे और उनका भी दबाव था, तो उसको बाकायदे उन्होंने उसके लिए माफी मांगी। होना ये चाहिए था कि ये इंडिया और कनाडा में एक तरीके से थोड़ी घनिष्ठता बढ़ती, लेकिन कई चीजों में इस तरीके से उसको बिगाड़ा गया। राजनीति एक बहुत बड़ी फैक्टर है, हिंदुस्तान की सरकार की भी अपनी राजनीति है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति उसको आकर्षित करने के लिए एक किस्म की पेरोकियल और सेक्टेरियन राजनीति अपनाती है। तरह के आरोप और बातें हम कैनेडियन सरकार के बारे में भी बोलते हैं कि वो एसेंशियली इलेक्टोरली ड्रिवन आजकल दोनों देशों में राजनीति होगी, कनाडा में भी चुनाव ड्यू। अच्छा, अब जो है चूंकि हमारा वक्त थोड़ा खत्म होता जा रहा है, तो हम इसको समझना चाहते हैं कि गदर आंदोलन के, गदर पार्टी के लोग जो है हिंदुस्तान में आए
और उनको डिटेन करने लगे, और तो उसके बाद आंदोलन का क्या हुआ, खत्म हो गया? हाँ, मैं आपको बस इतना उसको थोड़ा संक्षेप में उसकी कथा कहना चाहिए कि गदर पार्टी के बारे में बताऊं कि वो पहुंचने में तो कामयाब काफ़ी सारे लोग इंडिया में हो गए, और करतार सिंह सराभा उनमें मेन था, सोहन सिंह भकना, बाबा सोहन सिंह भकना जो उनके अध्यक्ष थे फिर, तो वो भी मेन थे। इन लोगों ने फिक्स की थी डेट 21 फरवरी 1915 गदर करने की, मैंने गदर की शुरुआत करने की, तो हम लोग उस दिन, हाँ मतलब उनको गदर कहते थे ये, लेकिन उसका मतलब इंकलाब ही था कि हम अंग्रेजों से आजादी का मतलब विद्रोह करेंगे, रिबेलियन करेंगे, म्यूटिनी करेंगे, हाँ, जो भी नाम देना चाहें। वो, लेकिन वो जैसे कि सारे क्रांतिकारी आंदोलन में होता है, इसीलिए क्रांतिकारी आंदोलन की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं इन सब चीजों में, मोल्स होते हैं, मोल्स माने गद्दार अंदर से बैठे होते हैं जो सत्ता के साथ मिल चुके होते हैं या सत्ता द्वारा खरीद लिए गए होते हैं। तो इनके यहाँ भी कृपाल सिंह नाम का एक जो गदरी था वो खरीदा जा चुका था, और वो सारी सूचनाएं अंग्रेजों को दे रहा था, और इनको भी पता चल गया, तब इन्होंने डेट बदल के 19 फरवरी कर दी। लेकिन 19 फरवरी वाली डेट भी जो है वो अंग्रेजों को पता चल गई थी, और इन लोगों ने, मैंने जब 19 फरवरी को जाके करतार सिंह सराभा वगैरह ने, ये लाहौर से म्यांमार छावनी थी वहां पे, और वो बात हो चुकी थी छावनी के लोगों से कि हम लोग तैयार होंगे, हथियार लेकर छोड़ेंगे अंग्रेजों को और हम अपना शुरुआत करेंगे। तो वहां जब तक पहुंचे, क्योंकि वो सारे ही फौजियों को डिसआर्म कर दिया था अंग्रेजों ने, और तब इनके लिए ये संकट हुआ कि अब हम लोग कैसे उसको बचें। और दो क्रांतिकारी मैंने रास बिहारी बोस, और वो वहाँ पे अमृतसर में आए हुए थे इनको गाइडेंस देने के लिए, और तब सराभा को ये चिंता हुई कि पहले हम इनको बाहर भेजें। तो रास बिहारी बोस को रात को बनारस की गाड़ी चढ़ा दिया गया, और अगले दिन रेड हो गया था वहीं पे, और अगर रास बिहारी बोस को ना निकाला गया होता, जो बाद में जापान गए और जापान में शादी की, जिनका संबंध जुड़ा इंडियन नेशनल आर्मी से, उसकी स्थापना की और जिसकी कमांड उन्होंने बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी, एक कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ये भी बोला जाता है कि, ये भी मैंने देखा है कि उनके सावरकर के साथ कई किस्म के कम्युनिकेशन थे, कई सारे के साथ तो असल में सबके ही कम्युनिकेशन थे, वो असल में सावरकर का वो पार्ट अलग है, उसमें आज हम बात नहीं करेंगे, उसके बारे में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उसके बारे में हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली ये हुआ कि गदर असफल हो गया, इन लोगों ने कुछ जनता में जो चेतना जागी, इनके ऊपर वैसे गदर पार्टी के ऊपर अच्छा काम हुआ है, प्रोफेसर हरीश पुरी ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से सबसे पहले काम किया, और दूसरे भी बहुत सारे लोगों ने काम किया पंजाबी में और अंग्रेजी में, हिंदी में कम है लेकिन पंजाबी अंग्रेजी में काफी महत्वपूर्ण किताबें दोनों आंदोलनों पर हैं, गदर असफल कैसे हुआ वो सब भी है। लेकिन ये सब मानते हैं कि इस तरह के क्रांतिकारी आंदोलनों का एक दूरगामी प्रभाव होता है, भले ही ये आंदोलन असफल हो जाए, भले ही इसमें भी 100 के करीब गदराइट शहीद हुए, मैंने 60-61 फांसियां ही हुई अलग अलग, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, इसको फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है, जो भगत सिंह वाला केस है उसको सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। तो इसमें 7 लोगों को फांसी हुई थी, जिसमें करतार सिंह सराभा और विष्णु गणेश पिंगले और 5 और साथी थे पंजाब के, तो विष्णु गणेश पिंगले महाराष्ट्र थे। तो ये आंदोलन, ये भी इनकी खूबसूरती है, चाहे भगत सिंह का आंदोलन हो चाहे गदर पार्टी का हो, कि इनकी नेचर ऑल इंडिया की रही है हमेशा। भाई परमानंद झांसी थे, झांसी के, और इसमें डी चंचैया थे आंध्र प्रदेश के, और चंपक्रमण पिल्ले थे मलयालम के, केरल के, ये सारे लोग गदर पार्टी का हिस्सा थे। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय वगैरह, चलो बंगाली तो बहुत थे। तो ये इस तरीके से ये आंदोलन पूरा पैन इंडियन कैरेक्टर था गदर पार्टी। हाँ हाँ, और उसमें मैंने, लेकिन होता ये है कि जो आने वाली जनरेशन होती हैं उनके ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो गदर पार्टी को सबसे अच्छे तरीके से भगत सिंह वगैरह ने देखा, और शिव वर्मा ने भी बहुत अच्छा इसके बारे में लिखा कि ये हिंदुस्तान के इनकलाबी आंदोलनों में पहला सेक्युलर इनकलाबी आंदोलन था ये गदर पार्टी के। हाँ, धर्म
और राजनीति को अलग करने की बात, धर्म भी और अलग अलग प्रांतों से भी, मतलब ये सबसे अलग अलग प्रांतों से लोग थे, अलग अलग धर्मों से लोग थे, लेकिन जब पार्टी की बात होती थी तब ये होता था कि धर्म बिल्कुल अलग है, कोई किसी धर्म को माने या ना माने, लेकिन सब एक साथ खाते थे, एक साथ बातें करते थे। बहुत बड़ी बात थी। और गदर पार्टी, जैसे कि आपने बताया चमन भाई, कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ, और उस समय जो बाकी जो कांग्रेस के जो नेता थे उनके साथ इनके डाइवर्जेंसेस थे, लेकिन इनके दूरगामी इम्पैक्ट बहुत रहा। आपने संक्षेप में गदर पार्टी के बारे में काफी अच्छी तरह से समझाया, और उसको कुमागाता मारू जो जापानी जहाज था जिसमें हिंदुस्तान से लोगों को ले जाया गया था, और कनाडा की सरकार ने जिस तरह का रिएक्ट किया था नेगेटिवली उसके बारे में। अभी वैनकूवर होकर भी आया हूँ, वैनकूवर बहुत शानदार स्मारक तट के ऊपर ही बना हुआ है जहाँ पे ये जहाज रुका हुआ है, सारे मुसाफिरों के नाम वहाँ पे खुदे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, और वो प्लेक भी एक जगह लगी हुई थी बकायदे, और इसलिए वहाँ भी अब इसको बहुत एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, माने इस आंदोलन को। और वो अब वो सरकारें बदल गई तो उस वक्त की सरकारों ने ये जुल्म किए थे, अब बाद वाली सरकारें जो हैं अब वो इन चीजों को रियलाइजेशन हुआ है और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। और आपने मतलब एक भूले हुए हमारे इतिहास के पन्ने को, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को आपने दोबारा खोला, और उसको आपने अच्छी तरह से हमारे व्यूअर्स को सब अच्छी तरह से समझाया, उसके लिए चमन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपके पास आते रहेंगे कई और चीजों के बारे में बात करने, क्योंकि आपके पास एक तरह से इतिहास का आप खजाना है जिसके बारे में आपसे घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और न्यूज क्लिक के दर्शकों के लिए भी मेरी शुभकामनाएं, और ये इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। नीलांजन ये एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि बहुत सारी मुश्किलें भी इनके सामने आ रही हैं, वो सारी मुश्किलों क्रांतिकारियों के सामने आती हैं, ये आज का क्रांतिकारी आंदोलन है, ये कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको भी इस बात के लिए एक तरीके से कहना चाहिए कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।